मैंने एक कोई फंक्शन, ये इस तरीके का है, ये फंक्शन यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है, ऐसे जा रहा है ये, और ये क्या होता है, ये इस तरीके से फंक्शन इस तरीके से चेंज हो रहा है, यानी कि कोई भी एक फंक्शन है, यानी कि y इक्वल टू, मान लिया ये हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स है, कोई फंक्शन है, x का जो है, यानी x का वैल्यू चेंज करेंगे तो इसमें y का भी वैल्यू चेंज होगा, ऐसा कोई भी एक फंक्शन है हमारे पास, और ये कर्व जो है इस तरीके से ये चेंज हो रहा है, यहाँ से ऐसे यहाँ पे जा रहा है। अब यहाँ पे जो हम देखते हैं, ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट जो दिख रहा है, ये एक्स वन है, तो एक्स का वैल्यू इस समय क्या है कि एक्स वन है, और ये एक्स वन पे क्या है, ये फंक्शन का ये सबसे बड़ा वैल्यू आता है, सबसे बड़ा वैल्यू। उसके बाद जाते हैं, फिर देखते हैं, फिर घट रहा है, घटते 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 यहाँ पे पहुँचता है, एक्स का वैल्यू जब एक्स टू हो जाता है, तो उस कंडीशन में यही फंक्शन क्या जो वैल्यू है, ये सबसे कम वाला वैल्यू इस समय दे। ये तो ग्राफ है जो हम देख के ये कह रहे हैं कि एक्स टू पे मिनिमम है, एक्स वन पे ये मैक्सिमम है, बट इन जनरल अगर हमारी बात होगी कि तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट द वैल्यू, सर्टेन वैल्यू इज मैक्सिमा और सर्टेन वैल्यू इज मिनिमा, ये हम इसको आइडेंटिफाई कैसे कर लेंगे किसी भी इक्वेशन के लिए, तो उसका जो है कि हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। अभी फिजिकली भी हम इसको बताएंगे कि इसका मिनिमा होने का और मिनिमा मैक्सिमा होने का क्या मतलब है। अब इस पॉइंट पे अगर हम देखें जहाँ पे ये मैक्सिमा है, अगर इस पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन खींचा जाए, जैसे ये टेंजेंट लाइन ऐसे खींच दिया मैंने, ये मिनिमम वैल्यू है, इस पे भी अगर एक टेंजेंट लाइन ऐसे खींच दिया जाए, तो क्या देखते हैं कि पहला पॉइंट ये है टेंजेंट, टेंजेंट्स एट मैक्सिमम वैल्यू, टेंजेंट एट मैक्सिमम वैल्यू और एट मिनिमम वैल्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस ग्राफ के लिए अगर वाई इक्वल टू एफ एक्स है, तो ये टेंजेंट जो खींचा गया है, ये एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, ये भी क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये दोनों लाइन हमारा एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। अब इसका मतलब हुआ कि जब एक्स एक्सिस के पैरेलल था, तो कल हमने जो एक इससे पहले वाले लेक्चर में जो डिस्कस किया था कि जब वो पैरेलल हो जाता था, एक एक्स इक्वल टू, अगर याद हो कि सिक्स जो वो पॉइंट था एक्स इक्वल टू सिक्स पे ये लाइन पैरेलल हो जाता था एक्स एक्सिस के, ऐसा था जो हमने प्लॉट उसमें देखा था एक्स इक्वल टू सिक्स से इससे पहले वाले लेक्चर में, तो वो क्या हो जाता था, पैरेलल हो जाता था, और जब पैरेलल हो जाता था तो उस समय जो स्लोप होगा, इस समय स्लोप जिसे कहेंगे स्लोप, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इसको जो कहते थे, ये क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था, यानी कि जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप जो होगा जीरो हो जाता है। ये भी देखे थे कि अगर वही लाइन जो है वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया था, ऐसे से पहले वाले वीडियो में डिस्कशन हमने किया था कि अगर ये लाइन वन इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाता था, देन डी वाई बाई डी एक्स बिकम्स इन्फिनिटी, अगर ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, एक पॉइंट हमारा ये हुआ, दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। अब एक तीसरा पॉइंट और देखना है हमें, इस स्लोप से जस्ट पहले, यानी इस पॉइंट से मैक्सिमम पॉइंट से जस्ट पहले, अगर हम स्लोप की बात करें उस पॉइंट से जस्ट पहले, तो यहाँ से जस्ट पहले अगर एक स्लोप खींचा जाए, यहाँ पर मान लो एक पॉइंट अगर ले लेते हैं, तो टेंजेंट लाइन ऐसे खींचना पड़ेगा, स्लोप का मतलब है दिस इज द टेंजेंट लाइन, ये ऐसा खींचा जाए,
और एक्स एक्सिस को एक्सटेंड किया जाए तो ये एंगल बनेगा। तो ये एंगल क्या है, यहाँ स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये स्लोप देख रहे हैं ये 90 डिग्री से स्मॉल है, तो स्लोप जस्ट बिफोर या इससे और भी कोई भी कहीं भी ले लें, जस्ट बिफोर और सिंपली बिफोर मैक्सिमम वैल्यू इज पॉजिटिव। स्लोप क्या है इसका, पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो स्लोप वाला एंगल है, इस एंगल को अगर मैं लिख दूं θ1, सो θ1 विल बी लेस देन 90 डिग्री। यहाँ θ1 क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए इसका स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा इस केस में। दूसरा है, इससे कहीं भी लेंगे, यहाँ ले लो, कहीं भी लो, यहाँ भी अगर स्लोप की टेंजेंट लाइन खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये भी एंगल 90 से छोटा है तो पॉजिटिव ही होगा। अब इसके जस्ट आफ्टर कर दें, मैक्सिमम पॉइंट के जस्ट बाद अगर एक स्लोप खींचा जाए या कहीं भी खींचा जाए इस पॉइंट पे, यहाँ से मान लो कि इस पॉइंट पे मैंने एक स्लोप खींचा, सपोज ये है, कहीं भी खींच लिया इस पॉइंट पे एक स्लोप खींचा, यानी कि स्लोप का मतलब क्या है, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना है, ये मैंने टेंजेंट लाइन यहाँ ड्रॉ कर दिया, तो ये एंगल क्या होगा, 90 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब है स्लोप, थर्ड पॉइंट है स्लोप आफ्टर मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट इज नेगेटिव, इसके क्या हो जाएगा, इज नेगेटिव, मैक्सिमम पॉइंट इज नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि डी वाई बाई डी एक्स जो है स्लोप, यही कहते हैं, तो उसके बाद जो खींचेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा स्लोप उसके बाद, मैक्सिमम वैल्यू के, मैक्सिमम वैल्यू से अगर आगे जाएंगे तो स्लोप उस समय जो निकालेंगे ये 90 डिग्री से बड़ा आ जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस निगेटिव को चेक करने का मतलब है कि अगर कोई भी वैल्यू मैक्सिमा है या नहीं है, तो सबसे पहला कंडीशन होगा कि डी वाई बाई डी एक्स 0 होना चाहिए, दूसरा इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया जाए विथ वाई है ये, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये इसको अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया जाए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसका वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, जैसे कि इसके बाद ये हम जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं इसके आगे, तो इधर जो अगर हम एक इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो ये लेस देन 0 आ जाएगा, यानी कि स्लोप इसका 90 डिग्री से बड़ा हो गया ये। तो ये दोनों कंडीशन जो है, ये दीज कंडीशन ये है फॉर मैक्सिमा के लिए, दिस इज कॉल्ड फॉर मैक्सिमा, ये मैक्सिमा के लिए ये कंडीशन है। सेम कंडीशन है हमारा किसी भी, जैसे ये अगर मिनिमम वैल्यू था यहाँ पे जो हमने ये देखा था, ये वाला जो हमारा मिनिमम, ये वाला ये एक्स वन पे, ये जो हमारा एक्स टू पे जो हमारा मिनिमम वैल्यू था, उसके लिए भी यही कंडीशन होगा कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए डी वाई बाई डी सॉरी फॉर मिनिमम वैल्यू के लिए डी वाई बाई डी एक्स ये तो 0 होगा ही, ये बट ये 0 होने से ये हम नहीं कह सकते कौन सा वैल्यू मैक्सिमा होगा कौन सा मिनिमम होगा। अब इसको इक्वेट करेंगे 0 से और इसमें से एक्स का वैल्यू निकालते हैं, अभी हम एग्जाम्पल से इसको और क्लियर करेंगे, और एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और अगर ये ग्रेटर देन आ गया 0 से तो ये वैल्यू मिनिमम कहलाएगा, मिनिमा कहलाएगा। ये उल्टा याद रखना है इसमें कि जब ग्रेटर लेस देन 0 हो गया डबल डिफरेंशिएशन, तो वो वैल्यू जो है क्या होगा, वो मिनी मैक्सिमा वैल्यू होगा, और अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो दैट वैल्यू विल बी मिनिमम वैल्यू। इसका एक और सिग्निफिकेंस है ये कि मिनिमम और मैक्सिमम के केस में हमारा दोनों के केस में फर्स्ट टेस्ट क्या करना है, टेस्ट नंबर 1 है हमारा कि फर्स्ट हमको टेस्ट नंबर 1 ये है
कि डिफरेंशिएट करना है उस वाई को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड मेक इट जीरो। अब जब ऐसे जीरो इक्वेट कर देंगे तो इस कंडीशन में हमारे पास जो है एक्स का कुछ वैल्यू आएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि एक्स के रिस्पेक्ट में ही हो, किसी के भी रिस्पेक्ट में हो सकता है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो सकता है, किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो सकता है, ये किसी के भी रिस्पेक्ट में हो सकता है। बट जैसे ही ये वैल्यू हमारा निकल के आ गया, इसको दोबारा एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसको वैल्यू यहाँ जो एक्स इक्वल टू जीरो निकल के आया है इसमें चेक करके देखेंगे, अगर ये ग्रेटर देन जीरो हो गया तो जो वैल्यू आया है वो मिनिमम वैल्यू कहलाएगा, और अगर लेस देन जीरो हो गया तो वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। बस यही दो पॉइंट है हमारे माइंड में रहना चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम को एनालाइज करने के लिए। अब देखो इसमें हम इसको क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से इसको और समझने का कोशिश करते हैं कि ये मैक्सिमम और मिनिमम को क्या रोल है। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, इसको हम लेते हैं, कह द हाइट रीच्ड इन टाइम टी बाई ए पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी यू इज गिवेन बाई, ये ऊपर एक किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंके इस तरीके से, यहाँ से यू स्पीड से ऊपर फेंके तो यहाँ पे जो ये हाइट एच पहुँचा इसका रिलेशन ये दे रखा है, ये क्या होगा, यू टी माइनस 1/2 जी इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये वेलोसिटी ऊपर है, हाइट भी ऊपर ले रहे हैं, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है नीचे, इसलिए ये नीचे हो गया, ये वाला रिलेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में इसको। क्वेश्चन ये कह रहा है द हाइट रीच्ड इन टाइम टी बाई ए पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड विथ अ स्पीड यू इज गिवन बाई दिस रिलेशन, यू इज गिवन बाई दी रिलेशन, ये रिलेशन हमारा ऐसे दे रखा है। अब हमको ये कह रहा है इस क्वेश्चन में, यहाँ जी इज कॉन्स्टेंट, यहाँ जी का वैल्यू कॉन्स्टेंट कर दिया गया है, जी इज नॉट वेरिएबल, बट जी को भी हम वेरिएबल मानते हैं, और इसका वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिया गया, क्योंकि जब हम बहुत रियलिस्टिक मॉडल की बात करते हैं, बहुत आइडियलिस्टिक मॉडल की बात करते हैं, देन जी विल नॉट बी कॉन्स्टेंट, जी चेंज करता है, बट इन जनरल हम लोग जो छोटे मोटे क्वेश्चन में जो छोटे मोटे हाइट के लिए बात करते हैं, देन जी इज टेकन एज कॉन्स्टेंट। अब आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन इन रीचिंग, सर आपकी आवाज हल्लो आ रही बहुत। हेलो आ रही है, अच्छा टाइम अब आ रही है, हेलो, टाइम टेकन इन रीचिंग मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाते हैं, वॉल्यूम तो फुल है, बस आ रही है आवाज सही, अरे सर सो इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्क्ड व्हाट इज द टाइम इन विच टाइम मीन्स की फाइंड द टाइम टेकन इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, जब ये मैक्सिमम हाइट को पहुंचेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। इसको जनरल फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, बट फिजिक्स में एक चीज और है, यहाँ पे पॉइंट है टू बी नोटेड कि फिजिकल सिचुएशन जहाँ पे हमारा होगा, अगर किसी क्वांटिटी के बारे में हमको बताना है कि ये मैक्सिमा है, मैक्सिमम है, मैक्सिमा है या मिनिमा है, मिनिमा, तो जनरली क्या करते हैं, अगर ये दोनों टेस्ट की बात करता है तो पहला है, अगर मैक्सिमा भी कहेगा तो ये डी वाई बाई डी एक्स इसको इक्वेट जीरो कर देते हैं, और इससे जो एक्स का वैल्यू आता है, अगर सिर्फ मैक्सिमा की बात करेगा
तो वो मान के चलो कि वो वही वैल्यू हमारा होगा। या अगर मिनिमा की भी बात किया जा रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स को इक्वेट कर देंगे जीरो से, और ये फिजिक्स में ये अंडरस्टूड होता है कि ये मिनिमम वैल्यू की ही बात हो रही है। वेदर द क्वांटिटी इज ए मैक्सिमम और मिनिमम द टेस्ट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज ओमिटेड, इसको छोड़ भी देते हैं। यानी अगर मैक्सिमा कहेगा तो एक बार बस डिफरेंशिएट कर दो, वो वैल्यू जो आएगा वो वेल नोन होगा कि मैक्सिमम का ही होगा। या अगर मिनिमम की बात करेगा तो इसका मतलब एक बार यही टेस्ट लगा दो, इक्वेट कर दो उसको जीरो से, और एक्स का जो वैल्यू आएगा वो मिनिमम वाला ही वैल्यू आएगा। जनरली इस टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, या हम इसको ओमिट भी कर सकते हैं, बट हर केस में ऐसा नहीं कर सकते। तो अभी जैसे देखो इसी को क्या करना है, इस क्वेश्चन को, कि हमारे पास जो है एच इक्वल टू, यही वाला हमारा इक्वेशन है, एच इक्वल टू जो है हमारे पास, सर, आपकी आवाज फिर से कम आ रही बहुत। हाँ लग रही है क्या कह रहे हैं? हेलो, आ रही है? रही। ओके, तो ये हो जाता है हमारे पास जो है, अभी मैंने जो लिखा इसको, हाँ एज पर क्वेश्चन वी हैव टू डिफरेंशिएट एच विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड मेक इट इक्वल टू जीरो, तो देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम, दैट विल बी द टाइम इन विच द हाइट रीच्ड बाय द ऑब्जेक्ट विल बी मैक्सिमम। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसमें डायरेक्ट हम ये वैल्यू इसको डिफरेंशिएट करेंगे इसको एच के रिस्पेक्ट में, तो इसको क्या करेंगे डी बाई डी टी, और एच के जगह पे क्या रख सर दो यू माइनस जे टी यू माइनस वन बाई टू जी टी रख देंगे, है ना, स्क्वायर इक्वल टू कर देंगे इसको जी जीरो से, एच का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं, एच का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये तो यू हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे जैसे बोल दिया आपने यू जी, बाय जी हाँ इक्वल टू जीरो हो गया, सो टी विल बी इक्वल टू यू बाई जी। यानी इतने टाइम के बाद जो है, अगर इतना टाइम अगर आप इसको कहेंगे कि चलो, तो ये क्या हो जाएगा कि इस समय जो टाइम, इतने टाइम के बाद इसका हाइट मैक्सिमम हाइट को ये पहुंच जाएगा, ये यही एक टाइम होगा जिस टाइम में इसका हाइट क्या पहुंच चुका होगा, मैक्सिमम पहुंच चुका होगा। तो इससे हम डिफ्रेंशिएट करके और इसको इक्वेट जीरो से कर देते हैं, और इससे यही टाइम हमको निकल के आएगा, दिस टाइम विल डिसाइड, दिस टाइम विल से दैट कि योर हाइट इज मैक्सिमम इफ वी अलाउ द बॉडी टू मूव यू बाई जी टाइम। सपोज इफ यू इक्वल टू, मान लो सपोज करो कि यू अगर इनिशियल वेलोसिटी इसका जो भेज फेंका गया, अगर उसको हम मान लें कि 4.9 मीटर पर सेकेंड है, और जी है यहाँ हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, देन टी विल बी इक्वल टू 4.9 डिवाइडेड बाई 9.8, यानी जीरो पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 0.5। 0.5 सेकेंड में ये आपका सबसे हाईएस्ट टाइम पे ये पहुंच चुका होगा। ये मीनिंग है, यानी कि ये एच का वैल्यू जो है सबसे बड़ा लाने के लिए कब पहुंचेगा, जब टाइम हमारा जो है ये एज पर क्वेश्चन यू बाई जी हो जाए, या न्यूमेरिकल वैल्यू जो मैंने दिया उसके अकॉर्डिंग 0.5 सेकेंड हो जाएगा, तो ये क्या करेगा कि मैक्सिमम टाइम पे ये पहुँच, मैक्सिमम हाइट पे ये पहुंच जाएगा, तो इसको 0.5 सेकेंड लगेगा, बाकी कोई भी टाइम लेंगे वो हाइट मैक्सिमम नहीं होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम सब मान लो ये हमारा कितना है टाइम, कितना लगा ये 0.5 सेकेंड, इसी एग्जाम्पल के लिए आप क्या करो, टाइम का वैल्यू इस इक्वेशन में, एच वाले इक्वेशन में एच इक्वल टू कितना आया, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसमें क्या करो, यू का वैल्यू मैंने अपने मर्जी से ले लिया था, 4.9 इंटू टाइम ले लो 0.5, यही आया, माइनस हाफ जी का वैल्यू ले लो 9.8 इंटू टाइम इज 0.5 का स्क्वायर। अब इसको जरा सॉल्व करके देखो कितना आता है, नियरली जो है ये 1.2 मीटर के मैक्सिमम हाइट पे ये पहुंचे।
ये है ये क्वेश्चन।